हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू द वीडियो ऑन कंसेप्ट ऑफ ईएमएफ एंड मैग्नेटिक सर्किट पैरामीटर्स। आई एम चेतना डोलसे, लेक्चरर ऑफ एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। प्रीवियस वीडियो में कंसेप्ट ऑफ एमएमएफ यहाँ तक पढ़ा था, अभी ये वीडियो में उसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिक सर्किट के पैरामीटर्स जितने भी हैं, जैसे एमएमएफ, रिलक्टेंस, परमानेंस, कंडक्टेंस, इसके सारे डेफिनेशन हम ये वीडियो में पढ़ेंगे। उसके सिंबल्स, उसके फॉर्मूले, उसका यूनिट, ये सारी चीज़ें हम ये वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल होता है ये। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। उसे शॉर्ट फॉर्म में हम डब्ल्यू बी ऐसे भी लिखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन नियर अ मैग्नेट within which the effect or influence of the magnetic field. Magnetic flux and magnetic field, ये दोनों definitions हम ये diagram के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर आपको एक magnetism दिख रहा है, magnetic pole दिख रहा है, जिसे दो sides होते हैं, north pole and south pole। हमेशा जो magnetic flux line होती है वो north to south pole ही flow होती है। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहे हैं और उसके एरो देखो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है, इसे ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये जो एरिया कवर उन्होंने किया है, ये जो रीजन है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जहाँ से फ्लो हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ रीजन, जब मैग्नेटिक फोर्स लाइन फ्लो होते हैं तब यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट होती है, एक एरिया प्रोड्यूस होता है, एक रीजन फॉर्म होता है, वही रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसे डिनोट करते हैं बी से। द फ्लक्स पर एरिया मेजर्ड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स इज डिफाइंड एज द फ्लक्स डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय बी। And formula of magnetic flux density is magnetic flux density is equal to flux divided by area। Flux को हम denote करते हैं phi से and area को denote करते हैं a से, इसीलिए magnetic flux density यानी b का formula हो गया phi divided by a और unit weber per meter square। फ्लक्स का यूनिट क्या पढ़ा है हमने? वेबर। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया? वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं टेस्ला। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया? टेस्ला। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। द मैग्नेटिक फील्ड strength at a point in the magnetic field is defined as the force experienced by a unit north pole placed at that point in the magnetic field। It is denoted by H। magnetic field intensity को हम denote करते हैं H से। unit of H is Newton per Weber or Ampere per Weber और एम्पियर टर्न पर मीटर। और फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज H इज इक्वल टू N इंटू I डिवाइडेड बाय L। N यानी क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ मैग्नेटिक कॉइल इंटू I यानी क्या होता है? करंट डिवाइडेड बाय L यानी क्या होता है? लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला बना? N into I divided by L। अभी मुझे बताइए कि करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ मैग्नेटिक कॉइल का यूनिट क्या होता है? टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो
एच का यूनिट क्या हुआ? एम्पियर टर्न पर मीटर. क्या यूनिट हुआ? एम्पियर टर्न पर मीटर. तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा है सो वी कैन राइट यूनिट ऑफ एच इज एम्पियर टर्न पर मीटर. क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिलक्टेंस. रिलक्टेंस इज डिफाइंड एज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स इन अ मटेरियल्स. इट इज सिमिलर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. और द रिलक्टेंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स. मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी MMF एंड द फ्लक्स. फ्लक्स यानी फाई. अभी रिलक्टेंस क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को अपोज करने वाला कौन था? रेजिस्टेंस. वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने वाला होता है रिलक्टेंस. जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था फ्रेंड्स, हमारे घर का और कॉलेज का. जैसे हम एक करंट की तरह एक कंडक्टर में फ्लो होते जाते हैं, तो वहां पर हमें रेजिस्ट करने के लिए या फिर अपोज करने के लिए कौन होते हैं? घर में हमारे पेरेंट्स एंड कॉलेज में हमारे टीचर्स. तो ये बात हमने कही थी जब इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा था. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक सर्किट. तो जैसे हम कंसिडर करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का जो इक्विवेलेंट वर्ड मैग्नेटिक सर्किट में क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स. तो हम मैग्नेटिक सर्किट में खुद को क्या कंसिडर करना है? मैग्नेटिक फ्लक्स. एंड जो हमारे पेरेंट्स है और टीचर्स है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेंगे, तो मैग्नेटिक सर्किट में उसका नाम क्या है? वो पैरामीटर्स का नाम क्या है? रिलक्टेंस. तो मैग्नेटिक सर्किट में हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स किसके जगह है? रिलक्टेंस की जगह. क्लियर है? मतलब मैग्नेटिक सर्किट में क्लोज पाथ किसके होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की. और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने वाला पैरामीटर का नाम क्या है? रिलक्टेंस. क्लियर है? रिलक्टेंस इज डिनोटेड बाय एस. रिलक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से. फॉर्मूला ऑफ रिलक्टेंस, एस इज इक्वल टू MMF डिवाइडेड बाय फ्लक्स. MMF को हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से. एंड फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई से. सो फॉर्मूला क्या बना? एस इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय फाई. क्लियर है? लेकिन हमने प्रीवियस स्लाइड जब पढ़ी थी, प्रीवियस जो वीडियो देखा था, वहां पर कंसेप्ट ऑफ MMF पढ़ा था, तो उसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे? F इज इक्वल टू N इंटू I. मतलब F यानी MMF इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट. ये पढ़ा था. सो वी कैन राइट रिलक्टेंस इज इक्वल टू N इंटू I डिवाइडेड बाय फाइव. मतलब F का क्या फॉर्मूला होता है? N इंटू आर. तो क्या मैं F की जगह N इंटू I लिख सकती हूँ? और डिवाइडेड बाय फाइव, तो यहाँ पर भी लिखा डिवाइडेड बाय फाइव. तो रिलक्टेंस का क्या फॉर्मूला बना? रिलक्टेंस को हम डिनोट करते हैं S से. तो S इज इक्वल टू N इंटू I डिवाइडेड बाय फाइव. एंड यूनिट इज एम्पियर टर्न पर वेबर. करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ मैग्नेटिक कॉइल्स का यूनिट क्या होता है? टर्न्स. पर फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर. तो यूनिट क्या हुआ रिलक्टेंस का? एम्पियर टर्न पर वेबर. नेक्स्ट डेफिनेशन इज परमेंस. इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स. इट इज नोन एज द परमेंस. एंड द परमेंस present the property of a magnetic material to allow the flux to pass through it. It is denoted by P. Formula of permeance is 1 divided by reluctance. Reluctance ko hum denote karte hai S se. To permeance is equal to 1 divided by S and unit is Weber per ampere. Yahan par kya likha hai? Reciprocal of opposition to the flow of flux. Reciprocal ऑफ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स. मतलब जो फ्लक्स को अपोज करने वाला पैरामीटर का नाम क्या था? रिलक्टेंस. तो रेसिप्रोकल यानी 1/reluctance. तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या फॉर्मूले लिखा? 1/reluctance. यानी रिलक्टेंस का डिनोट किससे करते हैं? एस से. तो 1/s एंड यूनिट इज वेबर पर एरिया.
तो क्या फॉर्मूला बना परमेंस का, 1 बाय रिलक्टेंस यानी 1 बाय S, एंड यूनिट ऑफ परमेंस इज वेबर पर एम्पियर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज परमेबिलिटी। परमेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कैरी द फ्लक्स लाइन इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल। परमेबिलिटी यानी क्या, जो मैग्नेट है मैग्नेट नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन, नंबर ऑफ फोर्सेस लाइन कितने फ्लो कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, उसे ही हम क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी। इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कैरी द फ्लक्स लाइन इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल। जैसे मैंने पहले ही बोला कि नंबर ऑफ फ्लक्सेस लाइन या फिर नंबर ऑफ फोर्स लाइन कितने कैरी कर सकते हैं, कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल कितने जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है वो फ्लो हो सकते हैं, ये डिपेंड होता है मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। तो इसका जो मेन प्रॉपर्टी है उसे ही हम क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी। इफ मटेरियल अलाउ द फ्लक्स लाइन टू पास थ्रू इट इजीली, देन द मटेरियल इज हाई परमेबिलिटी। क्या बोला है, इफ मटेरियल अलाउ द फ्लक्स लाइन टू पास थ्रू इट इजीली, देन द मटेरियल इज हाई परमेबिलिटी। मान के चलो कि हमारे पास दो मैग्नेट है, मैग्नेट N एंड मैग्नेट S। जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स लाइन है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल फ्लो हो रहे हैं, और जो नंबर ऑफ फ्लक्सेस लाइन है वो ज़्यादा जनरेट अगर हो रही है, डिस्टेंस ज़्यादा है, और नंबर ऑफ फोर्सेस लाइन है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं, मतलब वो मटेरियल की परमेबिलिटी कैसी है, हाई है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, इफ मटेरियल डज नॉट अलाउ द फ्लक्स लाइन टू पास थ्रू इट इजीली, देन द मटेरियल इज लो परमेबिलिटी। जैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ये जो दो मैग्नेट थे उसका डिस्टेंस सेम हमने रखा है जैसे फर्स्ट कंडीशन में रखा था, लेकिन जैसे फर्स्ट कंडीशन में नंबर ऑफ लाइंस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जितने प्रोड्यूस हो रहे थे उतने मैग्नेटिक फ्लक्सेस या फिर नंबर ऑफ लाइंस उतने ही फ्लो नहीं हो रहे हैं, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस फ्लो हो रहे हैं या फिर उससे कम मैग्नेटिक फ्लक्सेस फ्लो हो रहे हैं, मतलब वो मटेरियल की परमेबिलिटी कैसी है, लो है। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, डिस्टेंस दोनों केस में, दोनों कंडीशन में दोनों मैग्नेट का डिस्टेंस कैसा, सेम है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस यानी मैग्नेटिक फ्लक्सेस बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं, तो मतलब वो मटेरियल की परमेबिलिटी कैसी है, हाई है। और सेकेंड कंडीशन में डिस्टेंस सेम है, दोनों मैग्नेट अपनी ही जगह है, लेकिन नंबर ऑफ फोर्स लाइन यानी मैग्नेटिक फ्लक्सेस उससे कम फ्लो हो रहे हैं यानी कम जनरेट हो रहे हैं, मतलब वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी परमेबिलिटी कैसी है, लो है। क्लियर है, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। परमेबिलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से, एंड यूनिट ऑफ परमेबिलिटी इज नो यूनिट। यानी परमेबिलिटी को कोई भी यूनिट नहीं होता है, इट इज द यूनिटलेस क्वांटिटी। क्लियर है, आई होप ये सारे डेफिनेशन आपको अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं समझे है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो ऑन एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। थैंक यू।